अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हो आप लोग सब? आज मैं आपको अपने क्ले पॉट में, यानी कि मिट्टी की हांडी में, ज़बरदस्त किस्म का आपको मैं इसको आप घिया कद्दू कह लो, इसको आप एश कोट कह लो, वो बनाने दिखा रही हूँ। तो मैंने ये आपको पता है मेरी कितनी फेवरेट है ये मिट्टी की हांडी। जितना कुछ मैं इसमें बना सकती हूँ मैं बनाती हूँ, और इतना जबरदस्त बना कि मैं इतनी खुश थी कि मैंने कहा कि ये आपसे शेयर करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिया एक प्याज, और ये मुझे बहुत ही फ्रेश एश कोड मिला था वियतनामीज स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से, तो मैं इससे रहा नहीं गया। तो इसको, प्याज को छोटा काट के, और फिर ये आधा कप देसी घी आप लीजिए। इसमें 5 लहसुन के क्लोव्स, अबाउट 1 इंच अदरक, 2 सब्ज मिर्चें और 1 प्याज जिसको हमने छोटा काट लिया है। जब घी गर्म हो जाए आपका, तो आपने उसमें डालना है प्याज। प्याज को आपने हिलाना है हल्का, बहुत भूनना, ब्राउन नहीं करना, क्योंकि उससे सारा उसका असर खत्म हो जाता है और टेस्ट पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसको मैंने काट लिया लाइक 2-3 पीसेस में, क्योंकि ये काफी हैवी है और इसकी स्किन काफी थिक है, तो उसके लिए बेस्ट यही था कि इसको छोटे पीसेस में कर लिया जाए। इसका मैंने आपको जूस भी निकाल के दिखाया था, तो आप जूस निकालें या आप इसकी सब्जी बना लें, वो सब आपके अपनी मर्जी पे है। जूस का तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि वो रॉ है, और लेकिन सब्जी भी बहुत मजे की बनी थी, स्पेशली मिट्टी की हांडी में तो क्या ही मजा था इसका। तो इसकी स्किन इस पीलर से मैंने उतारी है, क्योंकि छुरी से भी बहुत मुश्किल थी, काफी थिक है इसकी। तो इसको काट के आप और छोटे पीसेस में कर लें तो और आसानी से हो जाएगा। और इसके स्किन को उतारने के बाद इसको मैंने कर लिया है कद्दूकश, या ग्रेट कह लें, मैंने उससे इसको ग्रेट किया, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा ना भूनना चाहती थी और ना इसको आग पे ज़्यादा देर छोड़ना चाहती थी गलने के लिए। तो कद्दूकश करके इसका फ्लेवर भी रहा, इसकी न्यूट्रिएंट्स भी रहे, और ये बन भी जल्दी गया। तो ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ कद्दूकश, जैसे गाजरों को करते हैं। और इसके बाद हाथ अपना बचा के, क्योंकि ये ज़रा ट्रिकी है। और उसके बाद फिर लहसुन और अदरक को मैंने इसमें पीस के इसको डाल दिया। आपको पता है मुझे ओरिजिनल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मेरा ये मार्बल का, और ये मेड इन पाकिस्तान, मैंने यहाँ से लिया है, सोचे हैं, इतनी मुझे खुशी हुई थी लेके। तो इसमें पीस के मोटा मोटा आपने प्याज में डाल देना है। प्याज देखें आप गोल्डन सा हो गया है, इसको इससे ज़्यादा और ब्राउन नहीं करना। फिर इसमें डाल दी 2 मिर्चें सब्स काट के, और उनको भी आप थोड़ा सा हिला दें। और फिर इसके बाद इसको आप देखते रहें कि ये जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसमें फिर मैंने डाल दिया एश कोट, या वो घिया कद्दू, मेरा ख्याल है इसको घिया कद्दू कहते हैं, लेकिन एश कोट तो कहते हैं, बट ये है कद्दू की फैमिली में से ही। तो इसमें फिर मैंने डाला है 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, और 1 चम्मच मैंने डाला है मिर्च, और लाल मिर्च, और ये डाल दिया इसमें 2 चम्मच नमक के। और इसको आपने फिर हिलाना है। अभी इसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना, क्योंकि ढक्कन देंगे तो उसमें से बहुत पानी निकलेगा, और हमें पानी जो है उसी में न्यूट्रिएंट्स हैं, और आप इतना फ्लेवर रहता है अगर आप इसमें ढक्कन ना दें ऊपर, और जूस को भूने नहीं और सुखाए नहीं। तो अब मैंने दिया है इसके ऊपर ढक्कन, क्योंकि अब ये बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड है। और ये देखिए आप इसको चेक करें, और हाफ वे बनाने के बाद इसमें आपने फिर देना है ढक्कन, ठीक है? और ये आप देखिए उसका जो है कितना जबरदस्त कलर हो गया है। आप इसमें जो हिंग है वो लाइक बिल्कुल एक जैसे
तिल की जितना साइज होता है ना वो आप डाल सकते हैं, उससे भी डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है। और उसके बाद मैंने लिया ये धनिया की पूरी, एक गड्डी ली है मैंने और उसको काट के, क्योंकि धनिया बहुत जबरदस्त है हमारे पेट के लिए और बहुत डाइजेशन में हेल्प करता है, तो मैं तो उसका बहुत खुला इस्तेमाल करती हूँ, डेकोरेशन के लिए नहीं लेकिन न्यूट्रिएंट के लिए सोच के मैं हमेशा इसको डालती हूँ। और ये आप देखिए कि इसका अभी कितनी अच्छी शक्ल नजर आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि भूनना नहीं है, भूनी हुई चीज तो समझ लें कि डेड खा रहे हैं आप ना, तो इसको इसी तरह रखें, देखें कितना अच्छा बना है। मेरा दिल खुश हो गया इसको देख के कि मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया था। तो मुझे आप बताना कि आपको कैसा लगा, खुशबू इतनी जबरदस्त थी इस मिट्टी की हांडी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे आप बताना आपको कैसा लगा है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।